वो खुद शांत स्वरूप आत्मा थे। हम उनको कोई दुआ दें, वो खुद दुआएं देने वाली दुआओं से भरपूर आत्मा थी। जो सेवा वो साकार में नहीं कर पाई, आज वो आकारी स्वरूप में हमारे साथ हैं और हमारे साथ ही हमारी सेवा में को आगे बढ़ा रही हैं। 29 तारीख अगला दिन जब हमारी बहन जी हमारे मंच पर थी और उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही थी, तो बहुत थोड़ा सा हलचल वाला माहौल बना हुआ था कि बहन जी को अंतिम संस्कार कहाँ किया जाए। तो बहुत डिस्कशन हो रहे थे, उस पर बहुत चर्चाएं हो रही थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी बस लास्ट मोमेंट था, बस यही सोच लिया था कि हमारा जो ताजगंज में बना हुआ है बेंजी को वहीं ले जाया जाएगा, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक से हमारे सामने रंगला लालजीत के भाई विजेंद्र भाई, विजय भाई और उनका एक ग्रुप है, वो पहुंच गए और उनके सामने ये प्रस्ताव रखा गया। तो उन्होंने कहा, बेंजी इसमें क्या बड़ी बात है, इतना बड़ा गीता पाठशाला के सामने इतना बड़ा खेत पड़ा हुआ है, वो बहन जी का ही तो है, बहन जी की तो गीता पाठशाला है, और बहन जी ताजगंज नहीं जाएंगी और बहन जी वहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा और वहां पर हम उनका स्थान बनाएंगे। वो थे हमारे विजेंद्र भाई, विजय भाई और उनका ग्रुप। तो मैं विजेंद्र भाई और विजय भाई से निवेदन करती हूँ कि वो भी मंच पर आए और मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। विजेंद्र भाई और विजय भाई, कुछ पलों के लिए महसूस कर रहे हैं, बिमलन जी हमारे बिल्कुल समीप ही सेम उसी तरह साकार मार जैसे प्यार लाल की थी, वही दे रही है शब्दों की तरह धार धार। Thank you.
पले हुए हों, ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने उनके प्यार को, उनकी पालना को, उनके दुलार को महसूस किया है अंदर से। ये हम कह सकते हैं कि वास्तव में हमारी दीदी इतनी प्यारी थी कि वो आज भी
कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे किसी ना किसी रूप में हमारे बीच आ ही जाती है। तो मैं इतना ही कहूंगी कि आओ इनको प्रणाम कर लें, आओ इनको प्रणाम कर लें, इनके स्मृति स्थल पर शीश रख लें, इनके स्मृति स्थल पर शीश रख लें, अपने जीवन में ब्लेसिंग भर लें, अपने जीवन में ब्लेसिंग भर लें। यहीं पे रूह है मीठी दीदी की, यहीं पे रूह है मीठी दीदी की, रूहानी फूलों की खिलती रहेगी ये क्यारी, रूहानी फूलों की खिलती रहेगी ये क्यारी। तो इस प्यार को, इस स्नेह को केवल हमने ही नहीं, आपने भी महसूस किया है, और हमारी जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी बहनों ने उनकी परवरिश ली है, मैं समझती हूँ कि ऐसी कोई भी बहन नहीं होगी जो उनकी पालना में पली ना हो। तो अनुभवों की बात करें तो यदि अनुभव हम शुरू करें तो लगेगा कि सुबह से शाम और शाम से फिर सुबह हो जाएगी, लेकिन अनुभव खत्म नहीं होगी। फिर भी कहते ना गागर में सागर, एक का अनुभव जैसा मेरा अनुभव वैसा आपका अनुभव। अनुभव ऐसे होते हैं, कुछ सेम सेम होते हैं। तो हम बहनों के अनुभव सुनेंगे कि हमारी प्यारी बहन जी, आदरणीय बहन जी, विमला बहन जी के साथ जिन्होंने भी पालना ली है, हमारी वरिष्ठ बहनें मंच पर बैठी हुई हैं, क्या पालना ली या बहन जी के साथ के क्या अनुभव उनके रहे, वो हमें सबको सुनाएं। मैं शुरुआत करती हूँ हमारी कविता दीदी से। ओम शांति। परम सम्मान्य, परम श्रद्धे, हम सब की आधार मुहूर्त एडवांस पार्टी में हमारी तैयारी करने के लिए गई हुई आकारी सूक्ष्म स्वरूप धारी आदरणीय बहन जी और उनके पुण्य स्मरण दिवस को हम आगरा निवासी भाई बहनों के हृदय में ताजा और जागृत करने के लिए मधुबन बेहद घर से आई हुई साक्षात सरस्वती स्वरूपा परम श्रद्धे आदरणीय शीलु दीदी, आदरणीय शीला दीदी और सम्मानित मंच और सभा में विराजमान परम प्यारे शिव बाबा की चैतन्य बगिया की कुशल कलाकार आदरणीय दीदी की इस चैतन्य बगिया के चैतन्य पुष्प जो रूहानी सुगंध को आज बहन जी की पावनता में विमल स्तंभ पर अपनी रूहानी सुगंध से इस विमल स्तंभ को सजाए हुए हैं। मैंने आदरणीय बहन जी को सर्वप्रथम मुलाकात में दुर्गा स्वरूपा का साक्षात्कार किया था। मैं वो शख्सियत हूं जो बहन जी के परिचय से परिचित नहीं थी। मैं ब्रह्मा कुमारी समर्पित जीवन जीना नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे ही अनजान में मैंने बहन जी के व्यक्तित्व को देखा, बाबा के रूम में वो उपस्थित थे और बहन जी को मैंने साक्षात सजा हुआ प्रथम दृष्टिया के रूप में दुर्गा अष्टभुजाधारी सजी सजाई मूरत को देखा और मैं उस आकर्षण में खींचकर बाबा के रूम में गई, क्योंकि बहन जी गीता पाठशाला पर बाबा के रूम में ही क्लास कराकर फ्री हुए थे। माताएं जा चुकी थी और बहन जी बाबा के रूम में अकेले बैठी थी, तो मैं बहन जी के चुंबकीय आकर्षण में खींचती हुई चली गई और उस मुलाकात में बहन जी ने मेरा सीधा हाथ पकड़ा और पकड़कर मुझसे दो शब्द कहे जो मेरे इस अलौकिक जीवन के समर्पण के लिए चाबी का कार्य कर गए। और वो दो शब्द थे कि देवियां आ चुकी हैं, क्या तुम देवी नहीं बनेगी। बस वो शब्द था। मैं इसका तात्पर्य, भावार्थ उस अनुभूति के कारण उनसे शेयर नहीं कर सकी, लेकिन मैंने ये निर्णय कर लिया कि जो ये जीवन जी रही हैं वैसा ही समर्पित जीवन, दिव्य जीवन, अलौकिक जीवन मुझे जीना है। इतनी छोटी सी मुलाकात से मैं आदरणीय बहन जी के सानिध्य में 38 वर्ष रही।
मुझे ये छाप दिल से कभी जाती नहीं थी। अनेक व्यवस्था की रीति से, स्वभाव संस्कार की रीति से भिन्नताएं, असमानताएं और ऊपर नीचे बातें होती थी, लेकिन जब जब मैं आत्मा बहन जी के सानिध्य में आती थी तो उनकी दिव्यता का आगोश मुझे पूरा आवरण में ले लेता था और बार बार उनसे मुलाकात को मन होता था। बहन जी का बाबा के प्रति जो सम्मान और स्नेह और अध्ययन का भाव था, वो भी चुपके चुपके मेरे हृदय पर छपता रहा और उनकी अलौकिक दिव्य छाप आज भी मुझे अनेक अनुभूतियों को करने में मदद करती है। आज का ये दुर्गाष्टमी का दिवस उन्हें मुझे उस पहले दिन की याद दिला रहा है कि आज भी वो दिव्यता, वो अलौकिकता, वो ईश्वरीय शक्ति की अस्त्र शक्तियां और वो संपूर्ण स्वरूप बहन जी का हमें मन में भी बहुत कुछ दे रहा है। आवश्यकता है बहन जी के साकार चरित्र और व्यक्तित्व को याद करते हुए वर्तमान परिदृश्य में हम अपने आप को इतना सूक्ष्म, इतना परमात्मा पिता के प्रति समर्पित, परमात्मा पिता के सम्मान को अपने स्वयं के परिवर्तन में संजोते हुए और उनके रहे शेष कार्य को आगरा के लिए हम करें, ऐसा ये प्रथम पुण्यतिथि का दिवस हम सबको अल्फाबेटिकली आगरा ए आगे आता है, प्रथम आता है, ऐसा हम ब्रह्मावत्सों को A1 बने, उस नंबर वन बाबा के आज्ञाकारी योगी बच्चे बने, स्वयं को देखें, सर्व के कल्याण का सोचें, ऐसी आज भी प्रेरणा दे रहा है। मैं बहन जी को अपने अलौकिक जीवन की यही सौगात देना चाहूंगी इस प्रथम पुण्यतिथि पर कि जो उन्होंने मुझे अलौकिक और दिव्य जीवन दिया है, मैं इसे अध्ययन और साधना के पथ पर बढ़ाते हुए शक्तियों से और गुणों से अपने आप को सजाऊं, संवारूं और मानव मात्र की सेवा में अपने जीवन को इसी प्रकार लगाऊं जैसे आदरणीय बहन जी ने लगाया। ये मेरी सच्ची श्रद्धांजलि आदरणीय परम श्रद्धे बहन जी के प्रति है। ओम शांति। ओम शांति। मैं यज्ञ में बहुत छोटी आई थी और बहन जी के पास रही और मुझे हमारी बड़ी दीदी थी, उन्होंने बहन जी को जब देखा पहली बार, तभी उन्होंने सोच लिया कि मैं तो ऐसी बनाऊंगी बहन जी जैसी। तो पहले से ही उनका ये संकल्प था, मुझे भी मालूम नहीं थी सेवा क्या होती है, ब्रह्मा कुमारी जीवन क्या होता है, क्योंकि मैं छोटी थी। लेकिन उसी समय मुझे ये, और मुझे ये भी फिर धीरे धीरे पता पड़ता गया कि जैसे बहन जी को इतना टाइम हो गया और बहन जी, तभी हम दूसरों बहन जी को समझा पाती हैं, सिखा पाती हैं। तो मेरा भी लक्ष्य ये रहा, मैं बहन जी के पास विजयनगर कॉलोनी और राजा मंडी में हम रहे तो ये कि जब हमारे अंदर भी इतना ज्ञान समा जाएगा तो हम भी दूसरों की सेवा कर सकते हैं। और वैसे हमारा जब से बहन जी के पास रहे 1971 से, तब से हम सेवाओं में बहन जी हमें आगे बढ़ाती रही, और आगरा में ही नहीं बल्कि हमें MP, भोपाल, ग्वालियर और इधर सारा MP सेवाएं की। उसके बाद फिर हम आगरा लौटे, बहन जी से हम कहते थे तो बहन जी हमसे कहती थी कि नहीं बहन बेटा, थोड़ी देर वहां पर और सेवा कर आओ, उसके बाद तुम्हें बुला लूंगी। लेकिन बहन जी ने फिर हमें नैनीताल भेज दिया और नैनीताल सेवा करके उसके बाद जहाँ जैसी समस्या होती थी बहन जी हमें वहाँ भेजते। अलीगढ़ बहन जी ने कहा 2 महीने के लिए, लेकिन 1985 से अभी तक मैं अलीगढ़ सेवा कर रही थी और अभी फिर मुझे कहा गया कि आपको आगरा रहना है, तो मैं तो जैसे आज्ञा मिलती गई वैसे ही सेवा के लिए हमेशा हाजी का पाठ पक्का रहा, कभी ना नहीं, जो मुझे कहा गया हाजी। तो बाबा ने हमें ये पाठ पढ़ाया हाजी का, और मैं तो यही चाहूंगी कि मेरा ये जीवन अंत समय तक
ऐसे ही सेवा में रहेगा और रहना ही है, क्योंकि इतना लंबे समय से बहुत सारी समस्याएं भी आई, लेकिन कभी भी हमारे मन में कभी कोई कमजोर संकल्प नहीं आया, क्योंकि मेरे साथ और बहुत सारी बहनें भी आई थी और मैं भी उसी टाइम की, लेकिन उसके बाद बहन जी का हमें इतना स्नेह प्यार मिलता रहा और बहन जी के साथ सानिध्य में हम पलते रहे, चलते रहे। और अभी भी हम तो यही चाहेंगे हमारे साथ और जो बहनें हैं मेरी तरह ऐसे ही आज्ञाकारी बने और ऐसे विश्वास पात्र स्नेही बने। बहन जी के साथ तो हम रहे, लेकिन बाबा से भी हमारा पक्का निश्चय विश्वास था, यह सबको छोड़ दिया हमने, लेकिन बाबा का हाथ और साथ, बाबा की उंगली ही छोड़ी और न छूटेगी, ये तो पक्का है। और अब मेरा ये जीवन ईश्वरी सेवा के लिए अर्पण है और ऐसे ही अर्पण रहेगा। और मैं चाहूंगी कि और बहनें मेरे साथ में रहने वाली ये भी ऐसे ही बने। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने हमें ओम शांति का मंत्र पढ़ाया, पहले तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, कहाँ जाना, कभी जानते भी नहीं थे हम कौन है, कहाँ से आए। गीता पाठशाला खुली यहाँ से लेके भोपाल तक और बनार इटारसी तक और इधर नैनीताल तक, हल्द्वानी तक, इधर गीता पाठशालाएँ खुली हमारी पिनाट बहा भाप बतिया भाग में। तो हम बहन जी ने और हमने मिलकर के वो सेवा की, जाते रहते थे। और महेंद्र भाई तो रहता था उधर आगरा में और हम लोग दोनों बहनें जाती रहती थी। 15 दिन में, महीने में 50-50 गीता पाठशालाएँ खुली होंगी और काफ़ी समय माताएं हमारी बहुत विद्वान और अच्छी निकली। और यानी सुभाष पार्क में इतना मेला किया था, 40-40 हज़ार लोग आते थे, इतना मेला मिल के किया। और वहाँ पे फिर दोबारा भी किया और जगह किए, बिमला बहन जी ने अभी अकेले भी किया, वो भी करती रहती थी, कहीं ना कहीं प्रोग्राम करती रहती थी, सेवा में तत्पर रहती थी, बिगड़ सेवा के तो वो रह नहीं सकती थी। और हम लोग सेवा के बिगड़ तो रहते ही नहीं है, हमें तो अच्छा भी नहीं लगता, क्या आए बाबा के घर के लिए, सेवा के लिए हो तो आए, बहुत सी बहनें बैठी रहेंगी, हम कहेंगे हम आए काय के लिए, हम करेंगे हम पाएंगे, ये हमारा लक्ष्य अभी भी है और फिर भी रहेगा। और अभी तक भी मैं तो सेवा में लगी रहती हूँ, बहुत सी कहेंगे अरे बहन जी अब तुम्हारा वक्त नहीं है, मैंने कि नहीं हम तो अंत तक करते रहेंगे, क्योंकि बाबा ने हमें ये लक्ष्य दिया है, बच्चे जितनी सेवा करोगे उतना फल मिलेगा। और दादियों के और बाबा के कभी हम अटूट प्यार रहो दादियों से, बाबा से, बाबा से तो हमने घर बैठे ही साक्षात्कार किया था और बाबा ने हमें घर बैठे ही साक्षात्कार कराया था। 4-5 ही दिन हुए थे और हम बाबा के घर में चले गए और बाबा हमको बेटे आओ बैठाया, सुविरस पिलाया, तब से हमारा साक्षात्कार का पट चला गया और चालू हो गया। और हम जो है यानी ध्यान में जाने लगे, बहने हमें योग में बैठाने लगी, हमारी दादी की बड़ी बहन थी उनकी हम, वो हमारी टीचर रही, हमारी सुतीश बहन जी हैं जो आगरा में उसमें गाजियाबाद में, वो हमारी टीचर रही हापुड़ में। और हापुड़ में आपने सोचा ही होगा, आपको कभी बाबा की जीवनी पढ़ी होगी तो उसमें हापुड़ का हंगामा यानी प्रसिद्ध है, उसमें हमारा हरमेंदर भाई का पाठ और 2-3 भाई और थे उनका आगे रहता था, हमको घर से बुला बुला के लाते थे। और हमारी उम्र 24 साल की थी जिसमें हम इस ज्ञान में आए, वैसे तो 17 साल के में ज्ञान मिला और घर में रहते रहे और सेवा करते रहे, मगर जिस समय वो हापुड़ का हंगामा हुआ उस समय हमारी 24 साल की थी। उसके बाद हम यानी आगरा में हमारी एक बहन थी रिश्तेदार थी, उसने कहा हम इनके लिए दोनों के लिए सेंटर खोलेंगे और उनको सेंटर खुलवा करके वहाँ पर दोनों को बैठाएंगे। तो गंगे दादी ने कहा आगरा में सेंटर खोलो और वहाँ पर खोलो, तो फिर उनसे बोला गया कि इस बहन को रखेंगे हम, उनके बिमला बहन जी को बुलाएंगे और बिमला बहन जी को रखेंगे। एक माता और थी हापुड़ की, हम 4 जने रहते थे, गांधीनगर में 8 वर्ष रहे, विजयनगर कलोन में 22 वर्ष रहे एक एक गुप्ता के यहाँ, और यहाँ हमको 25 साल हो गए, 62 साल 62 में हम आए थे और अभी तक बाबा की सेवा में तत्पर हैं। और सभी बहनों को हमारा, सभी बहनों से हमारा प्यार है, ऐसे नहीं कि मन मुटाव किसी बहन से हो, क्योंकि हमारी सभी बहनें हैं बाबा की लाडली हैं, बाबा ने चुना है,
कितने प्यार से बाबा ने लाया है, और हम उनसे कुछ घृणा करें कुछ करें नहीं, हमें नहीं पसंद होता है। हम बाबा के प्यारे बच्चे हैं, बाबा ने चुन चुन के कहाँ कहाँ से लाया है, और कितना प्यार होना चाहिए, इतना दुलार होना चाहिए। भगवान ने इतना चुना है, इतना प्यार दे रहा है, दुलार दे रहा है, कभी उसके मुख से सुना है कुछ भी, तो हम क्यों कहें किसी बहन के लिए और किसी भाई के लिए। तो प्यारा बाबा आया हुआ है सड़क की स्थापना करने और प्यार से बनाने, दुल्हनिया बनाने, सजनिया बनाने। देखो कितने प्यार से कहता है, मेरी सजनिया हो, मेरी दुल्हनिया हो। बारी बार बाबा ने ऐसा कभी किसी ने किसी से सुना जो बाबा हमको कह रहा है, ऐसे प्यार से सुनो और ऐसे गदगद हृदय में बसा लो बाबा को। मेरा प्यारा बाबा मुझे तो दिन में रात में नजर आता ही रहता है, मैं तो कभी जन्म जन्म बाबा की प्यारी रहूंगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। क्योंकि आप सब जानते हैं कि बहन जी मेरी एक परछाई थी, एक छत्र छाया थी, जैसे सबसे ज्यादा अनुभव मधुबन में दादी जी के साथ मुन्ने दीदी ने किया, अनसंग रही। इसी प्रकार से हम सब जानते हैं हमारी आदरणीय विमला बहन जी ने हमें शुरू से ही अपने अंग संग रखा, अपने इसने प्यार की पालना दे करके हमें बेहद की सेवा के लायक बनाया। बहन जी की प्यार और पालना का प्रत्यक्ष सबूत हम आज आपके सामने हैं। एक बार की बात है कि शुरू शुरू में जब ज्ञान मिला, उस समय हम छोटे थे, सूट में ही थे, मधुबन जाना हुआ तो मधुबन में बड़ी दादी जी उस समय क्लासरूम की चादर सौगात में टीचर्स बहनों को देती थी। उस समय बड़ी बहन जी साथ में ही थी, जैसे मधुबन में बड़ी बहन जी ने मुझे बुलाया और कहा कि दादी जी सभी बहनों को क्लास की चादर दे रही है, रुद्रपुर से सूर्यमुखी बहन आई नहीं है, इसलिए आप उनके सेंटर की चादर ले लो। मैंने कहा नहीं बहन जी, मैं नहीं जाऊंगी। कहती क्यों नहीं जाऊंगी? मैंने कहा मैं तो अभी सूट में हूँ और ब्रह्मा कुमारी अभी मैं थोड़ी ही हूँ। तो बहन जी हंसने लगी और कहा अच्छा ठीक है, मैं तेरे को ब्रह्मा कुमारी बना करके छोड़ूंगी। तो वो बहन जी का कहना और आज आपके सामने मेरा प्रत्यक्ष होना कि बहन जी ने मुझे इसलिए बनाया कि जो बेहद की सेवा, जो आज आगरा का म्यूजियम बना हुआ है, उन्होंने अपने त्याग तपस्या सेवा से जो बनाया है, उनकी सेवा, उसकी सेवा की जिम्मेदारी बहन जी ने मुझे दी, बाबा ने दी। इसलिए मैं आज भी यही कहूंगी कि बहन जी मुझसे दूर नहीं है। मैं तो ये अनुभव करती हूँ कि बहन जी मुझे आज भी पल पल हर बात का गाइड करती है, प्रेरणा देती है और मुझे साथ साथ रहने का अनुभव कराती है। तो आज के दिन मैं यही संकल्प करती हूँ कि बहन जी की सेवाओं को और बाबा की सेवाओं को, जो भी सेवाएं हैं, उनको मैं अवश्य साकार करके दिखाऊंगी। बहन जी का जो सपना है उसे मैं अवश्य पूरा करके दिखाऊंगी। यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है। ओम शांति। ओम शांति। और हमारा सौभाग्य है कि मधुबन भी यहाँ उपस्थित है हमारी प्यारी दीदी शीलू जी के रूप में। तो मैं भी यही कहूंगी कि जैसे अभी कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हम भी भरतपुर आई थी मैं मधुबन से, तो भरतपुर आने के कारण मेरा आगरा आना हुआ बाई चांस यूं ही। और शुक्रवार का दिन था, एक दिन भोग लगा था, क्योंकि पहले सत्या बहन जी भोग लगाया करती थी, संदेश लाया करती थी, तो विजयनगर कॉलोनी की बात है। तो दोनों ही कहने लगी कि कल देखो बाबा ने हमें बताया था हमारे पास एक ऐसे रतन आएंगे जो बाबा के सेवाओं में बहुत मदद करेंगे, क्योंकि बुद्धि छोटी थी, इतना समझ में आता नहीं था संदेश का। तो मैंने सोचा ये सब ऐसे ही कहते हैं जिससे हम यहाँ रुक जाएं। तो खैर हम सेवा बहुत करते थे, चूंकि गांव के रहने वाले थे तो हड्डी सेवा करनी आती थी, तो बहन जी का कमरा हमने खूब चमकाया और बहुत अच्छे से सेवा की।
लेकिन उसी समय मैंने बहन जी को देखा, बहन जी ने हमारा दिल जीत लिया कुछ बातों से, जो यहाँ सब बातें शेयर नहीं की जा सकती, क्योंकि कुछ संस्कार तो हमें जन्मजात ही मिले थे कि हमें कभी किसी की चीजों पे लोभ नहीं आता था, बहुत खाने की लालसा नहीं होती थी, कभी चोरी का संकल्प नहीं आता था। तो बहन जी ने बड़ी बहनों को कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो, किसी से कुछ भी पूछना, पर इससे सूर्यमुखी से कभी ये मत पूछना कि तूने ये चीज उठाई क्या, देखी क्या। तो हमें ऐसे लगा इनको इतना विश्वास हम पे कैसे हो गया एक दिन में ही। तो कुछ बातों ने ऐसा दिल हमारा जीता कि आज तक भी हमें वो बातें भूलती नहीं है ऐसा। तो ये प्रमाण है कि बहन जी ने दिल पर राज किया, और जिसके भी दिल पर राज किया वो आज यहाँ प्रत्यक्ष है। इतने सारे भाई बहन जो बैठे हैं वो आज इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि उन्हें महसूस होता है कि बहन जी ने हमें अपना अत्तु दिया, एक माँ का प्यार दिया, एक अच्छी पालना दी, और अच्छी टीचर बन करके इस बगिया को सवारा, सजाया। आज बहन जी के पास इतनी अच्छी अच्छी बहनें पढ़ी लिखी हैं और इतनी सभ्य बहनें हैं, मैं देखती हूँ और सब जगह भी। हालांकि बाबा के सभी बच्चे हैं, लेकिन हमारी इस बगिया में आगरा जोन में इतनी अच्छी अच्छी बहनें हैं कि सभी कमाल कर सकती हैं। और आज बहन जी के इस पुण्यतिथि पर हम ये संकल्प भी करेंगे कि हम जितनी भी सारी जोन की बहनें हैं सब इकट्ठा होकर ऐसा प्रोग्राम भी करें कि सब इस बात को जान लें कि इन बहनों ने कैसे विमला बहन जी की परवरिश को पाया है। वो हम सबूत भी देंगे, आज ये संकल्प भी करेंगे। और इसी संकल्प के साथ मैं अपनी बड़ी बहन जी को बहुत बहुत दिल से, प्यार से अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। यहाँ सभी बहन जी की बहुत महिमा कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है जिन्होंने भगवान को नहीं देखा और उन्होंने बहन जी को देखा तो बहन जी में क्या दिखाई दिया, बाबा दिखाई दिया। और बाबा से उनका इतना प्यार था कि जब हम कभी अमृत वेले कोई तबीयत भी खराब होती तो बहन जी बड़े प्यार से उठाती, कहते देखो बाबा से दृष्टि लो और आप ठीक हो जाओगे, और बाबा के कमरे में अपने आप हाथ पकड़ के ले जाती। और उसी समय ऐसा होता कि जैसे बहन जी नहीं, वो बाबा ने हमारा हाथ पकड़ के अपने पास बुलाया हो। एक बार ऐसे ही था, हम मधुबन जा रहे थे और रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया, और बहन जी को जैसे ही पता पड़ा, रात के 12 बजे थे, उन्होंने उसी समय ड्राइवर को बुलाया और वहां भेजा, और मेरे से तब बात करी जब वो पहुंच गए। कहने लगी कि मैंने बाबा से योग लगाया और मेरी बहन को कुछ भी नहीं हो सकता। बहन जी हर एक में एक ऐसा गुण देखती थी, और उस गुण को देखने के साथ साथ वो शक्तियों में भर देती थी ताकि वो बाबा का गुण उसमें सदा अविनाशी बना रहे। तो आज यही हम देख रहे हैं कि इतनी जो बाबा की बगिया है, एक एक फूल है, कितना सुंदर फूल है, वो किसने लगाया? हमारी विमला बहन जी ने लगाया। उनका नाम सुनते ही यहाँ सब कितने दूर दूर से आ गए। ये बहन जी का प्यार और बाबा का प्यार है जो हमें कहाँ से भी बुलाकर यहाँ तक ले आता। और बहन जी की तो यदि महिमा करें तो कहा जाता है कि उनकी महिमा तो ऐसी है जैसे शिव बाबा की महिमा है, कि उनकी महिमा का परम अपार नहीं है। कैसी भी आत्मा होती, हम भले ही किसी का अवगुण देख के बहन जी को कहते कि बहन जी ये तो बहन ऐसी है, ये तो ये नहीं कहती, ये नहीं करती, तो बहन जी कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलो, बाबा की बच्ची है, बाबा को पहचाना है ना, देखो जो वो सेवा करती वो याद दिला देती, तो हमें भी लगता कि हाँ देखो। और बहन जी ने उस आत्मा को इतना ऊंचा उठा दिया, इतना ऊंचा उठा दिया जिसे आज कोई
उठा नहीं सकता। तो ऐसे बहन जी को तो हम दिल से सत सत नमन करते हैं कि हमारी बहन जी सदा हमारे साथ हैं और हमारे साथ रहते हमें प्रेरणा देती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति। मेरा इतिहास इन सभी बहनों से कुछ अलग है। 7 वर्ष की उम्र में मैं बॉम्बे में जब ज्ञान में आई तो मेरा जन्म जो है या मेरी परवरिश है ये आपके सामने जो बैठे हुए हैं आदरणीय शिलू बहन जी के द्वारा हुआ है। ये मेरी टीचर रही हैं। बहुत फकूर से मैं हमेशा कहती हूँ, कई लोग मुझसे पूछते और ब्रह्मा कुमारी जीवन के जो भी कोई विशेष गुण अगर मैंने आत्मसात भी किए होंगे, माना मेरी जड़ों में इनकी पालना और परवरिश रही है। बड़ी बहन जी के पास मैं जब आई तो मुझे एक जन्म देने वाली माँ नहीं लेकिन एक अधिकारी तौर पर या तो एक बोस की रीति से, जैसे कहा जाए किसी कार्य को करने के लिए मुझे एक अधिकारी के पास भेजा गया। और आप समझ सकते हो कि बाकी बहनों का जीवन हो सकता है बहन जी के साथ बहुत सहज रहा हो, लेकिन शुरुआत में जब मैं आई तो मुझे काफी बड़ा डर भी था कि पता नहीं, क्योंकि उनके निमंत्रण पर मैं नहीं आई थी, दादी के भेजने पर मैं आई थी। दादी को लगा कि आवश्यकता है इसलिए आगरा में भेजा। तो मेरे लिए यह था कि पता नहीं मुझे ये स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। और बॉम्बे का जीवन है वो बहुत समृद्ध जीवन और एक अलग प्रकार का जीवन था। और जब मैं पहले दिन सेंटर पर आई तो मैंने बहन जी को देखा, थोड़ा तो डर था। पहला डर तो मोला शिलू बहन जी ने ही निकाल दिया, क्योंकि जैसे ही प्रोग्राम फाइनल हुआ तो मैंने इनसे कहा कि आगरा जाने का प्रोग्राम बना, तो इन्होंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छी है विमला बहन जी और बहुत बड़ा सेंटर है। तो मुझे बहुत, क्योंकि इनके वचनों पर मेरे को बहुत विश्वास, आप समझ सकते हो कि मेरी सबसे ज्यादा शुभ चिंतक यही रही है, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा कह रहे तो ठीक होगा। और पहले दिन जब आई तो मुझे थोड़ा डर भी था, सेंटर को मैंने इधर उधर देखा, बहुत लाइफस्टाइल बहुत चेंज थी। मुझे लगा पता नहीं मैं कैसे इन सभी के बीच में ये मुझे एडजस्ट करें या मैं इनको करूं, लेकिन बहन जी ने बहुत एक सरल बात मेरे सामने बता दी। मुझे कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हें जैसे ठीक लगे ना ऐसे यहाँ सेटिंग कर दो, तुम्हें अगर लग रहा हो ना यहाँ ठीक नहीं है सेटिंग। और उस वाक्य ने मुझे इतना बल दिया कि पहले दिन मैं स्नान करके आई और मैं थोड़ा इधर उधर देख रही थी तो वह समझ रही थी, और पहले ही दिन उन्होंने मेरा ये डर निकाल दिया। मुझे लगा कि जिस बहन ने पहले ही दिन मुझे ये अधिकार दे दिया कि चलो तुम सेटिंग कर लो, तो इसका मतलब है कि नहीं ये बहुत मुझे प्यार भी करेगी। और यही है कि मैंने आगरा में आने के बाद विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी कहेंगे कि बड़ी बहन जी के कारण ही शायद मैं आगरा में अब तक हूँ। मुझे और भी बहुत ऑफर बाद में भी मिले और बहुत बातें भी हुई, लेकिन बहन जी को हमेशा हमने पूछा तो बहन जी कहती थी नहीं, अभी कहीं भी जाओगी तो तुम्हें कहीं ना कहीं सेवाएं बढ़ानी पड़ेगी, तुम आगरा में ही रहो। और मैं बहन जी से कहती थी कि यदि आप मेरे सिर पर हाथ रखो तो मैं आगरा में रहूंगी, नहीं तो नहीं रह सकती हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा केवल आगरा में आने के बाद केवल 2 व्यक्तियों से, जो मुझे एक माँ और एक मासी, मासी जो है इस तरह से मिली, सत्या बहन जी और बड़ी बहन जी, क्योंकि हर गुरुवार को सत्या बहन जी भी आते थे कमला नगर में भोग में, और बड़ी बहन जी, ये 2 सीनियर रीति से मुझे मिल गई। और इन दोनों ने मेरी जो कहेंगे हर रीति से, जैसे भी मैं समझती हूँ उनके सामने बहुत सारी बातें रही होगी, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे प्यार और सम्मान देने की हमेशा कोशिश की। और हमेशा बहन जी का, अभी भी एक लास्ट में बहन जी ने मुझे एक वाक्य कहा था, वो बहुत याद है। बहन जी ने कहा तुम सिखाओ दूसरों को कि कैसे सेंटर को स्थापित किया जाता है और कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे तरक्की की जाती है, जैसे तुम करती हो ना ऐसे इन्हों को भी सिखाओ तुम। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितनी अच्छी भावना वो मेरे प्रति भी रख रही हैं। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरा बहुत प्यार है, सभी यहाँ बैठे हुए लोगों का
बड़ी बहन जी से बहुत दिल का प्यार है और बहन जी का भी सभी से बहुत दिल का प्यार रहा होगा, इसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को याद करना माना बुद्धि में उनकी स्मृतियाँ आज भी हर पल यह याद आता है। कोई भी बात होती तो बहन जी तो ऐसे करते थे, बहन जी तो ऐसे करते थे, और इसी तरह दिल में एक भाव भरी याद हमारी आ ही जाती है। तो बुद्धि और दिल में बहन जी का स्थान कभी भी कोई ले नहीं सकता। ओम शांति। आज हरि का एक अनोखा अनुभव है आदरणीय बहन जी के साथ, क्योंकि कईयों को तो यही नहीं पता कौन कहां से आया, क्या अनुभव रहा, किस प्रकार की पालना ली, कहां पर सेवाएं की, लेकिन आज बहन जी ने सबको ये सुनाने का मौका दिया। बहुत छोटी उम्र में मध्य प्रदेश भिंड जिले के अंदर लौकिक जन्म हुआ। 12 वर्ष की आयु में बाबा का ज्ञान मिला। उस समय भोपाल और आगरा एक था और अक्सर करके बहन जी ग्वालियर में भट्टी कराने जाया करती थी। तो हम लोग उस भट्टी में आए, लेकिन उम्र छोटी होने के कारण समझ ना सके, जो क्लासेस हो रही थी उनको इतना समझ में नहीं आया, लेकिन हमने मंच पर दोनों बहनों को देखा, आदरणीय बिमला बहन जी और आदरणीय सत्या बहन जी। जब बहन जी को देखा तो ऐसा लगा इनके ही पास रहना है, इनके ही पास जाना है। और जब बहन जी ने वतन का संदेश सुनाया तो जैसे कि हम उनसे चिपक गए। मैंने कि अब तो पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं करनी है, बस बाबा और दोनों बहनें। तो मध्य प्रदेश में होने के कारण सब ने कहा आप यहाँ रहो, लेकिन खींच आगरा की थी। और जब हम आगरा पहुंचे तो बहन जी ने एक बात कही कि सारी बहनें भोपाल चली गई हैं और आज पापा ने मुझे 10 कन्याएं दिखाई हैं, लेकिन उनके चेहरे नहीं दिखाए हैं। वो कहा बच्ची आपके पास आज 10 कन्याएं आने वाली हैं। तो कहा उसमें एक आप हो। जब बहन जी ने ये बोला उसमें एक आप हो, तो अंदर में इतनी खुशी हुई कि जो हमारा संकल्प था वो प्यारे बाबा ने पूरा किया। और पूरा करने के बाद ज्ञान तो इतना नहीं था, लेकिन खाते खेलते कारोबार करते, हम कोई भी श्रीमत जानते ही नहीं थे कि अमृत वेले भी उठना होता है, सेवाएं भी करनी होती हैं, बर्तन भी साफ करने होते हैं। वो प्यार से कहती थी आप ये कर लो, आप ये कर लो। कभी कर लेते थे और कभी नहीं करते थे, लेकिन कभी भी नाराज नहीं हुई। हम भल नाराज हो जाते उनसे, लेकिन वो कभी नाराज नहीं होती थी। तो बस धीरे धीरे उनके प्रति, प्यारे बाबा के प्रति लगाव बढ़ता गया। इतना लगाव बढ़ा कि हम एक बार आने के बाद दोबारा लौकिक घर में कभी नहीं गए। इतना बहन जी का प्यार मिला। वो तो गीत गाते हैं, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। हमें तो ऐसा सुखी संसार आज तक भी मिला हुआ है जो हम दोनों बहनों को भूल ही नहीं पाते हैं। अनुभव तो जीवन के बहुत हैं। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय शीलो दीदी,
और सभा मंजा सिंह सभी सम्मानीय अतिथि और सभा में उपस्थित सभी भाई बहने, आज 28 सितंबर पिछली 28 सितंबर को शाम को 6 बजे जैसे ही सूचना मिली, उससे पहले सूचना मिल रही थी कि अब बहन जी खतरे से बाहर हैं, ठीक हो जाएंगी, लेकिन जैसे ही 6 बजे सूचना मिली तो एकदम से धक्का सा लगा और जैसे कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, हाथ पैर एकदम से ढीले पड़ गए, ऐसा लगा पता नहीं कौन सी चीज हमारी खो गई। तो आज 1 साल पूरा हुआ है आदरणीय बहन जी को, मेरी सबसे पहले मुलाकात आदरणीय बहन जी से राजा मंडी सेंटर पर हुई। पहली बार गई वहाँ, हमारी लौकिक दादी रतन माता जी रहती थी, उनसे मिलने के लिए गए थे, तो आदरणीय बहन जी से मुलाकात हुई, बात कुछ भी नहीं हुई थी, केवल नयन मुलाकात हुई और एक बेसन का लड्डू खिलाया था। दूसरी मुलाकात शमशाबाद में हुई, शमशाबाद में एक अम्मा जी थी, उन्होंने कहा कि भावना तुम सेंटर पर जाकर कि ये सामान दे आओ। मैं देने के लिए गई, बहन जी वहां बैठी थी, मुझे पास में बिठा लिया बड़े प्यार से, और प्यार से बिठा करके मुझसे कहा कि तुम ब्रह्मा कुमारी बनोगी। मैंने कहा हाँ बनूंगी, लेकिन ये नहीं पता था कि ब्रह्मा कुमारी बनना होता क्या है। ये तो जब 18 वर्ष की आयु हो गई, जब बाबा का ज्ञान मिला, तब मालूम पड़ा कि वो बहन जी के शब्द थे, उन्होंने एक वरदानी शब्द ही बोले कि तुम ब्रह्मा कुमारी बनोगी और मुझसे बुलवा लिया, वो साकार शब्द हुए। आदरणीय बहन जी की जो पालना थी वो माँ के रूप में थी, कोई भी बात आती बहन जी के पास जाओ सारी समस्याएं दूर कर देती थी, बड़े प्यार से समझाती और आगे बढ़ने की शिक्षा देती थी। एक बात जरूर कहती थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने जब भी बहन जी से बात की तो कहती थी कोई बात नहीं, हर बात को ऐसे ही बहन जी पार करा देती थी, और बड़े ही प्यार से बहन जी ने पालना दी। मैं एक बार 15 दिन लगातार बहन जी के पास कमला नगर में रही, जब आदरणीय सीता दीदी का फ्रैक्चर हो गया था, ऑपरेशन हुआ, तब बहन जी के पास 15 दिन रहने को मिला, पालना मिली। कभी भी बहन जी के पास आते बिना खाए नहीं जाने देती थी। ओम शांति। बहन जी के संपर्क में आने से प्रथम मुलाकात में ही उन्होंने मुझे कहा तुम क्या करते हो, मैंने कहा सरकारी नौकरी करता हूँ। तेरी सरकारी नौकरी लग गई? हाँ बहन जी। ठीक है अब क्या करना है? मैंने कहा बहन जी ये ज्ञान में चलना है। पहली बार में बहन जी ने कहा कि तुम समर्पित हो गए, और मैं समझ चुका था समर्पित का क्या मतलब होता है, तो मैंने कहा जरूर बहन जी, इससे तो ज़्यादा बढ़िया जीवन सफल करने का और कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब मैं दोबारा मिला तो मुझे आश्वासन देती रही, एक का समर्पण हम भी करेंगे, एक का समर्पण हम भी करेंगे, और मुझे ये कहा, खास दादी प्रकाशमणि जी थी, तब उनसे कहा कि नौकरी करता है दादी, ऐसी वो नौकरी है इसकी, उसमें बेचारा करना नहीं पड़ता, इसको सारा समय सेवा में देता है, तो इसे क्या करें। दादी ने कहा ठीक है भले नौकरी करे, और मुझे गीता आता है बाबा का याद, जाने का देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया, मेरे लाल ने कहा आंचल में भर लिया, बाबा के लिए वो गीत है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई खूबी मेरे अंदर थी। म्यूजियम का उद्घाटन था, गवर्नर को चिट्ठी लिखी जानी थी, मुझे तो चिट्ठी पत्री लिखना आता ही नहीं था, लेकिन उनका इतना विश्वास नहीं, चिट्ठी तू लिख आप विश्वास करेंगे, गवर्नर को चिट्ठी मुझसे लिखवाई उन्होंने कि चिट्ठी लिख दूँ, वास्तव में वो चिट्ठी लिखी, आज तक उसकी फोटो स्टेट मेरे पास रखी हुई है, आप देखेंगे, और उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया उसे, उतना वो किया कि ये बहुत अच्छा। अभी दादी जी को आना था एक मेले के इनॉग्रेशन में, रस्सी पहले से मेला हुआ,
तो कहा कि तू निमंत्रण पत्र लिख। मैंने कहा बहन जी मैं क्या लिखूंगा, तो तू लिख दे बस। मैंने उनका अंदर से इतना विश्वास था कि कोई काम सौंपना है तो उसको ऐसे बिल्कुल बाबा से लिंक मिला करके सौंप दिया। और वो एक बहन जी गई तो उन्होंने निमंत्रण पत्र वहाँ पढ़ा वो सारा पूरा, तो वो इतने खुश हुए सारे लोग मधुबन में, सारे लोगों ने कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छा था। तो उनको परखने की शक्ति इतनी थी कौन क्या कर सकता है कैसे क्या, तो उससे उसी तरह से उन्हें काम करवाना, इस तरह की उनके अंदर सारा था। करने नव निर्माण, करने नव निर्माण, धरा पर स्वयं प्रभु जब आए, परम सत्य बात साथ में बड़ी बहन जी लाए। बाबा ये कहते हैं बच्चे मेरा जब अवतरण होता है, मैं धरती पर आता हूँ तो मेरे बच्चे साथ आते हैं, अकेला मैं नहीं आता हूँ। और बहन जी पहली कन्या थी दिल्ली की समर्पित होने वाली, ये उनको श्रेय प्राप्त है। जितना पावन यज्ञ पुराना उतना ही जीवन था, माया से अनभिज्ञ सराही पावन और पावन था, मिला सदा सत्कार प्यार जो भी समीप में आया, बिना किसी भी भेदभाव के सबको ही अपनाया। माता हो या युगल, वेरिएशन नहीं था, पार्शियलिटी नहीं थी। माता हो या युगल या कि फिर कन्या और कुमार, समदृष्टावन बहन जी दिया सभी को प्यार। जन जन को पावन करने की सेवा में हो अर्पण, सच्ची राह दिखाने सबको आप बने थे दर्पण। शिक्षा थी बस यही समझानी थी बहन जी के, खास समझानी थी, और आज उसको आप साथ लेके जाए तो बहुत से काम बन सकते। शिक्षा थी बस यही, किसी की देखो ना कमजोरी, वह भी तो बाबा का बच्चा, मदद करो कुछ थोड़ी। देकर मातृ दुलार सदा ही सबको ही हर्षाया, मिला रूहानी प्यार पास में जो भी कोई आया। तन से हो भल दूर किंतु मन में तो सदा समाए, भुला नहीं पाएंगे मासम प्यार निरंतर पाए। ओम सा। विजेंद्र भाई, विजय भाई, अशोक भाई, कालीचरण भाई, श्रीचंद भाई, सुरेश भाई और बंटू भाई, और मंच पर हमारी शीलू दीदी के द्वारा अब सौगात प्राप्त करेंगे। अभी मैं जयगोपाल भाई से निवेदन करूंगी। किस्मत वाले होते Thank you.
ममता की डोरी काएगी दलिया मन जाएगी बाल रंग जाएगी ब्रह्मा माया इसलिए हमारी विमला बहन जी के प्यार के लिए खिंची चली आई है हमारी शिलू दीदी। कहते हैं ना चांदने चांदनी बिखेरी है, चांदने चांदनी बिखेरी है, तारों ने आसमां को सजाया है, तारों ने आसमां को सजाया है। खास श्रद्धांजलि देने के लिए बहन जी को, खास श्रद्धांजलि देने के लिए बहन जी को, देखो आबू से कोई फरिश्ता आया है, देखो आबू से कोई फरिश्ता आया है। ऐसी हमारी शिलू दीदी जो आपके समक्ष आज आई है। ओम शांति। मंच पर आसीन हमारी शीला बहन जी, कविता बहन जी, सत्या बहन जी तथा समस्त आगरा जोन की बहनें, भाई और आप सभी भाई बहनें, आज ऐसे मौके पर मैं मधुबन से आई हूँ और देख रही हूँ, सुन रही हूँ आप सब ने जो भी प्यार के उद्गार हमारी विमला बहन जी के, हमारी विमला बहन जी के लिए उच्चारण किए, सचमुच मेरा भी कम अनुभव नहीं था विमला बहन के साथ। हालांकि मैं उनके साथ कभी नहीं रही, लेकिन जब भी आप मधुबन आते थे तब अवश्य हमसे मिलते थे या मैं आपसे मिलने जाती थी। बहुत प्यार देते थे, हमेशा हमारे लिए टोली भी रखते थे, फ्रूट भी रखते थे, ये लो ये लो ये लो, ये उनका बड़ा दिल था, बहुत प्यार देते थे और हमेशा हमें निमंत्रण देते थे कि आपको आगरा आना है, आपको आगरा आना है, आप कब आओगी। तो मैं कहती थी दीदी आप हमें जब बुलाएंगे हम आपके पास ज़रूर आएंगे, आप हमें बुलाएंगे और हम ना आएंगे कैसे हो सकता है। तो कहते थे बस हम बड़ा प्रोग्राम रखेंगे, आपको बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे। तो बीच में हम कई बार यहाँ आए हैं और अभी लेटली जो टुंडला का प्रोग्राम था, बहुत बड़ा वहाँ कार्यक्रम रखा था, मेला रखा था, खास उसमें एक बहुत बड़ा प्रोसेशन निकालना था, तो हमें विमला बहन जी ने बुलाया आपको ज़रूर आना है, टुंडला आना है।
मैंने पहली बार टुंडला नाम सुना। मैंने कहा वो कहाँ है टुंडला, तो कहा बस आगरा से बहुत दूर नहीं है और एक प्रोसेशन में जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, तो खास उसके लिए हम आए थे और बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था और उसमें हमारे गायक हमारे का जयपाल जयगोपाल भाई भी थे। तो आज फिर से मिले हैं पहले पर एक अलग मकसद से। तो सचमुच हम विमला बहन को कैसे बुला सकते हैं, हम उसे कभी नहीं भुला सकेंगे, क्योंकि उन्होंने जो सेवाएं की, पल पल पर जो हड्डियां दी, वो एक ऐसी यादगार बन गई है जो कभी नहीं बुद्धि से जाएगी और एक परमानेंट यादगार तो हमने बना ही दी है। तो जैसे हम ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं, मम्मा को याद करते हैं, दादी प्रकाशमणि जी को याद करते हैं, जिन्होंने कैसे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को दिन दुगनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ाया और आज देश विदेश में बाबा की सेवाएं इतनी बढ़ती जा रही है, तो ये आगरा जोन भी कम नहीं है। सारी दुनिया आगरा में आती है खास ताजमहल देखने के लिए। हम कई बार आए यहाँ लेकिन ताजमहल अच्छी तरह से देखने का मौका नहीं मिला था, तो आज विशेष रूप से हम सुबह सुबह ताजमहल देखने के लिए गए। तो हमने सोचा कि देखो ये ताजमहल दुनिया का एक वंडर है, ये कैसे दादी जी ने, बाबा ने, मम्मा ने आगरा के लिए कितनी प्रेरणाएं दी थी कि ऐसा एक म्यूजियम बन जाए जो बिल्कुल ताजमहल के पास हो और जो लोग ताजमहल जाए वो इस म्यूजियम को ज़रूर देखे। एक सीप की तरह उस सीप में मोती, ये सोचा था उस समय, मुझे याद है जब आगरा म्यूजियम के लिए मीटिंग रखी थी कि वह ऐसा कैसा म्यूजियम बने जो सबके लिए आकर्षण का केंद्र बन जाए। तो सोचा कि ऐसे सीप के समान हो और उस सीप में यह म्यूजियम मोती के समान हो, तो वैसा ही चित्र बनाया गया और वैसा ही यह म्यूजियम बनाया गया। और मुझे कहा गया कि इस म्यूजियम के लिए आपको अपनी आवाज़ देनी है, और विदेश के भाई बहने थे उन्होंने इसके लिए इंग्लिश में लिखा क्योंकि फॉरेनर्स यहाँ आएंगे, विदेश के लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा और उसी अनुसार सारे विश्व में बाबा का संदेश इस म्यूजियम के द्वारा पहुँच सकता है। तो मैंने भी बहुत प्यार से जो लिखत बनाई थी उसको ठीक करके उसमें आवाज़ भरी और मैं पूछ रही थी कि क्या वही आवाज़ अभी भी चलती है, तो कहा हाँ वही चलती है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बाबा ने यह सेवा मुझसे यहाँ करवाई। तो आज वो सेवा का एक वट वृक्ष का रूप हम देख रहे हैं, कितनी बहनें यहाँ बाबा की सेवा में लगी हुई है। मैं पूछ रही थी बहन जी से कि यहाँ कितनी सेवा, कितनी बहनें समर्पित रूप से इस आगरा जोन में, तो कहा कम से कम 300 होगी। मैंने कहा 300, ये तो बहुत अच्छा नंबर है, और 300 बहनें यहाँ पूरे जोन में फैली हुई है और आप सभी कैसे मिलजुल करके ये कार्यक्रम कर रहे हैं। विमला बहन का वो के प्रति जो आप सबका प्यार है वो हम देख रहे हैं। तो शीला बहन जी, हमारी कविता बहन जी, सत्या बहन जी, ये तो हैं ही, लेकिन और भी बहनें कम नहीं हैं। एक एक की हमने अभी का हमने अनुभव सुना, एक एक ने कैसे यहाँ विमला बहन जी से पालना ली है वो हम अप्रत्यक्ष रूप तो नहीं लेकिन परोक्ष रूप से हम भी एक विजुलाइज कर रहे थे, दृश्य निकाल रहे थे कि कितना प्यार देती होगी विमला बहन। मधुबन से भी उनका उतना ही प्यार था, दादी से भी उनका उतना ही प्यार था। एक एक
जब जैसे मधुबन में आती थी, एक एक को इतना प्यार देते थे जो कोई मधुबन वाले भी उनको भूल नहीं सकते हैं। अभी मैं परसों ही मधुबन से निकली और यहाँ कल पहुँची, तो निकलने से पहले मैंने सबसे छुट्टी ली, दादी जानकी जी से भी छुट्टी ली, निर्वैर भाई से छुट्टी ली, मुन्नी बहन से छुट्टी ली और रतन मोहिनी दादी, सबसे हम मिलकर आए और हमने कब आगरा जा रहे हैं। खास हमें निमंत्रण मिला है विमला बहन के पुण्यतिथि पर, तो सब ने विमला बहन की यादें जो उनके मन में थी वो भी हमें बताई और हमें आप सब के लिए बहुत 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 याद प्यार मधुबन से भेजा है। आप सबके लिए हम टोली भी लाए हैं, बहुत कुछ लाए हैं। अब कैसे मौका बनता है, हमें कहा गया है कि आप एक एक सेवा केंद्र पर भी जाएंगे, वहाँ आप सबसे मिलेंगे, तो कैसे हम आपके पास आएंगे, क्योंकि दो दिन ही हूँ मैं, आज का दिन हूँ, कल का दिन हूँ और परसों तो हमें जाना है। अब कैसे सबसे अलग से मिल सकेंगे ये हम नहीं जानते, तो प्रोग्राम ज़रूर बनाया है। लेकिन आप सब तो मधुबन आते ही हो, मधुबन तो बाबा का बेहद का घर है, जहाँ सभी भाई बहनें आते हैं, सारा विश्व आता है, तो इसलिए आप भी जब भी मधुबन में आए अवश्य हमसे मिलना। पांडव भवन तो आप आते ही हैं, ब्रह्मा बाबा के चार धाम तो आप करते ही होंगे, वहाँ जो अखंड योग तपस्या मधुबन में चलती है उसमें भी आप भाग लेते होंगे और अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज करते होंगे। बादल भरने के लिए आते हैं और फिर जा कर के बरसते हैं जैसे बाबा कहते हैं, तो आप सब भी मधुबन में आकर के इतनी शक्ति भरते हैं। तो यहाँ पर भी आप आए हैं, ये इतना बड़ा संगठन आगरा जोन का, उसमें मैंने पूछा केवल आगरा के ही आएंगे या सब तरफ से आएंगे, तो कहा सब तरफ तो बहुत दूर है, तो केवल आगरा के ही है यहाँ। मैंने कहा अच्छा, इतने सारे आगरा के ही भाई बहने हैं, तो हम क्या आपके लिए कहें। जब भी अल्फाबेटिकली लेते हैं तो सबसे पहले आगरा ही आता होगा क्योंकि ए से जुड़ा हुआ है, तो आप ए वन हो, ए माना सबसे पहला अक्षर, वैसे भी अ कहो या ए कहो, तो हमेशा ये नशा रखना चाहिए कि हम तो ए वन है, हम तो एक नंबर है, हम तो सदा ही आगे हैं। चाहे कोई पीछे भी आने वाले हैं वो भी यही सोचे लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट है। बाबा यही वरदान बच्चों को देते हैं कि कभी भी ये न सोचे हम तो बहुत बाद में आए हैं, हमने ये नहीं अनुभव किया, ये नहीं अनुभव किया। पुरानों के लिए तो बाबा बहुत सुंदर वरदान देते ही हैं, जो पुराने हैं बहुत सालों के हैं वो तो है ही सच्चे, सच्चा हीरा कहो सच्चा सोना कहो, इंग्लिश में कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड विच कैन मोल्ड, क्योंकि इतने सालों से आप सहन करते आए हैं, बाबा के बनते आए हैं, इतनी परीक्षाएं आपके जीवन में आई होगी ज़रूर, लेकिन एक बल एक भरोसा रख करके आप आगे बढ़ते गए हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखा है, ये बहुत बड़ी बात है जीवन में और उसके लिए तो आप प्रशंसा के पात्र हैं ही। लेकिन साथ साथ जो बाद में आने वाले भी हैं उनके लिए भी बाबा कहते हैं कि जो नए नए आते हैं उनसे सिद्ध होता है कि कितनी वृद्धि हो रही है। तो आप सभी जो लास्ट सो फास्ट आने वाले हैं वो भी फर्स्ट जा सकते हैं, बाबा ने ये सुंदर रेस हम सब के आगे रखी है। उस दिन भी बाबा की मुरली में था, ज्ञान की भी रेस है, योग की भी रेस है, धारणा की भी रेस है, तो सेवा की भी रेस है। जो जितना ज्ञान का मनन चिंतन करता रहेगा वो जैसे रेस में दौड़ रहा है। योग की भी रेस है, कौन पहले परम धाम में इस रेस में पहुंचता है वो भी एक रेस है। धारणा की भी रेस है, जो बाबा जो श्रीमत देते उस श्रीमत का उसी घड़ी पालन करना शुरू कर देते हैं या एक संकल्प करते हैं कि हम अवश्य इस श्रीमत का पालन करेंगे, वो रेस में आगे जाते हैं। और जो जितना ज्ञान धारण किया है वो औरों को देते हैं, तो इस प्रकार से सेवा में भी रेस है। और जब ये चारों प्रकार की रेस होगी
तो आप समझ सकते हैं कितना जल्दी हम बाबा की सेवा संपूर्ण कर सकेंगे, क्योंकि आखिर तो सबको जाना ही है, हम सबको जाना है, कोई भी यहाँ रहने वाला नहीं है। बाबा साजन है, हम सब सजनियाँ उनके साथ जाएंगे, इसलिए सजनी बन करके हम बाबा के साथ उड़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमें कर्मातीत बनना है। बाबा ने बहुत बड़ा लक्ष्य दिया है और हमने विमला बहन जी में देखा कैसे उनको ये लक्ष्य सदा पक्का था, बस अभी घर चलना है, अभी बस जाना है, सेवा पूरी करके जाना है, सदा ये यही सोचती थी और सबको यही कहती थी, बस और बातों को छोड़ो, जैसे एक बहन ने बताया ना, छोड़ो, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ छोड़ो भूल जाओ, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बस यही हम सबके कानों में गूंजता रहे, छोड़ो भूल जाओ और आगे बढ़ो, फुल स्टॉप लगाओ, बिंदु लगाओ और आगे बढ़ो। तो आज के दिन हम सभी यही शुभकामना करेंगे आपके लिए, सभी के लिए, जो बाबा ने हमें वरदान दिए हैं वो हम प्रैक्टिकल में अनुभव करके सबको ऐसे श्रेष्ठ बनाएंगे, सबको आगे बढ़ाएंगे, सबके साथ मिलजुल करके रहेंगे, क्योंकि एकता में ही शक्ति है, जहाँ भी एकता है वहाँ शक्ति है। अगर एकता की थोड़ी कमी हो गई, जैसे एक दीवार में एक ईंट भी कमजोर हो जाती है वो पूरी दीवार कमजोर पड़ जाती है, एक चेन के अंदर एक भी कड़ी अगर कमजोर हो जाती है पूरी चेन कमजोर हो जाती है। इसीलिए सभी को एकजुट होकर के हमें विमला बहन जी को दिखाना है कि हम सब एक हैं और आप हमारे साथ हैं, हम सब साथ मिलकर के एक होकर के बाबा का नाम बाला करेंगे, यही हम सबको प्रतिज्ञा करनी है। आप सबसे प्रतिज्ञा भी जरूर करवाएंगी बहन जी, और वही प्रतिज्ञा हम सब करेंगे कि हम सब एक हैं, एक होकर के रहेंगे और एक का नाम वाला करेंगे, ठीक है ठीक है, जो कहते हैं बिल्कुल यही हम करेंगे। फिर से हाथ हाँ ताली बजाएं या हाथ उठाएं हाथ हिलाएं, तो हम दादी जी को ये कहेंगे कि आगरा जोन वाले सब एक हैं, एक के हैं, एक होकर के रहेंगे और एक बनकर के एक बाबा का नाम वाला करेंगे। ओम शांति ओम शांति। यहाँ पर बहन जी का जो पार्क बना है, बहन जी थोड़ा थोड़ा सा करके हम लोग इसे डेवलप कर रहे हैं और सभी के सहयोग से थोड़ा थोड़ा जो भी जैसे भी सेवा करते हैं और हम लोग इसे कुछ अच्छा बनाएंगे, फिर पुनः एक बार बहुत अच्छा बनाकर फिर पुनः आपको बुलाएंगे और बहुत बड़ा विशाल प्रोग्राम करेंगे, यहाँ पर ऐसा प्रोग्राम करेंगे कि आगरा के नेशनल मीडिया यहाँ पधारेंगे, पूरे पूरे सभी पूरे वर्ल्ड के अंदर यहाँ से लाइव कास्ट होगी, इस तरह का मेरा प्रोग्राम कराने का वायदा है। और इस तरह से हम प्रोग्राम एक बार चिल बहन जी को बुलाकर दोबारा इन बहनों को बुलाकर जल्दी यहाँ एक प्रोग्राम करेंगे। इसी इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। चले जाए
बाबा ने कहा बच्ची आई हो, तो मैंने देखा बिमला बहन जी बाबा की गोदी में बैठी हुई थी और बड़ी जोर से मुस्कुराई और बाबा को बोली, बाबा सत्या बहन आई है। बाबा ने कहा मैंने देख लिया बच्ची को, तेरे लिए भोग ले आई है और तेरे सभी तेरे लिए हम हान कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तेरे को तू जाएगी। तो मुस्कराने लगी, बाबा जैसे आपकी मर्जी। तो एकदम बाबा खड़ा हुआ और उनको भी साथ में खड़ा करके और सबको जैसे बाबा दृष्टि एक एक को दृष्टि या बहन जी को दृष्टि देते हुए दोनों ऐसे घूमे और सबको देख करके बाबा ने कहा, जैसे आशीर्वाद दे रहे यहाँ था बाबा, बच्चे बहुत सेवा किए बच्ची ने और बहुत बहुत आज उसका प्रत्यक्ष फल है। देख तेरी कितनी सेवा तैने करके आई है, तो देखो देख रही है तेरी फुलवाड़ी कितनी है। तो बहन जी हंसने लगी, बाबा फुलवाड़ी तो आपकी है, मेरी थोड़ी है। बाबा ने कहा नहीं, हमने और तुमने मिल करके तो की है ना, और सारी बच्चियों ने मिल के की है, इतनी सेवा हुई है आज, तेरा कितना वर्णन हो रहा है। भगवान एक एक बच्चे को फूल बना रहा है, देवी बना रहा है, तुम्हारा देवियों का गायन पूजन है। हाँ, तो ऐसे एक एक सबसे बहन जी देखती जा रही थी, दृष्टि देती जा रही थी और बाबा बहुत प्यार से ऐसे ऐसे वरदान लग रहा था जैसे बाबा वरदान दे रहा है सबको, सारी बहनों को ऐसे लाइन से लेकर के ऐसे सबको दृष्टि देती है बाबा, और एकदम गायब हो गए और मैं नीचे आ गई। याद प्यार बाबा ने प्यार बहुत बहुत, बहन जी ने भी सभी को बहुत बहुत याद दिया हाँ, और बाबा ने भी दिया और भी बैठे हुए थे, सभी कह रहे थे हमारा सबको बहुत बहुत याद है ना,
बाबा ने कहा शीलू आई है ना, देखो शीलू कितनी सेवा कर रही है, तुम्हारी और तुम्हें याद कर रही है। कहा बाबा हाँ जरूर, क्यों नहीं करेंगी याद, हमारे वो तो रहे हैं, मिलते रहे हैं, और हमारे लिए तो बाप दादा ने, दादियों ने हमें हमारे लिए भेजा है ना, सबको सुनते रहने के लिए, ऐसे दियादी याद कर दी रही थी। और बाबा ने कहा मधु ठीक है, ऐसे बाबा पूछ रहा था। मैंने कहा हाँ बाबा है तो सब ठीक, और बहन जी याद तो है, क्यों नहीं आएगी, पढ़ना लिया तो याद प्यार तो सभी सभी बच्चियों ने लिया और सभी की सेवा की है, बहुत बहुत बाबा ने कहा। और दादी ने, बहन जी ने भी कहा हमारी बहुत बहुत सबको दिल में जान से प्रेम से याद देना। हम आए तो तब तो हमें ऐसा लगा कि वो आ गए, और अब तो हमें बाबा का घर कितना प्यारा लगे, जहाँ बाबा बैठा है, जहाँ खिलाए, जो सिलाए, जैसे कराए, वो प्यारा लगता है। ऐसी याद प्यार दे रही थी सारी बहनों को दिल और जान से, कह रही हमारी सखियाँ भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, लाडली भी हैं, ऐसे बहन जी हाँ सभी को बोला बहुत बहुत याद प्यार दे रहा। मैं तो सभी प्यारी लगे ऐसे बहन जी बोल रहे। आगरा और उसके आसपास के सभी क्षेत्रों से आए हुए सभी परमपिता परमात्मा के प्रिय संतान भाइयों बहनों, आदरणीय दीदी जी का जो व्यक्तित्व था वो था ही इस तरह का कि वो सबको स्नेह से अपना बना लेती थी, जैसा कि आपने अभी अनुभव में सुना भी। मैंने उनको देखा और महसूस किया कि उनमें मातृत्व स्नेह भी था तो पितृत्व का सहयोग भी, और टीचर बनकर के जिस तरह से वो शिक्षा देती थी वो अंदर तक उतर जाती थी, और हमेशा दिल में रहता था कि जो दीदी ने हमें ये शिक्षा दी है आगे बढ़ाने के लिए, उसको हम जीवन पर्यंत अपने दिल में भी रखें, स्मृति में भी रखें, और साथ ही साथ उसको काम में भी उतारते रहें। ऐसी स्नेहिल दीदी का ये स्थान यहाँ पर नगला लाल जीत, बाबा का नाम भी लाल है क्योंकि वो लाल प्रदेश में रहते हैं, तो कम से कम हम अब जितने भी यहाँ पर ब्रह्मावत से इतना बड़ा परिवार ये यहाँ पर इकट्ठा है, आदरणीय दीदी जी ने हमारे जो विचार भाव आ रहे थे उनको शीलू दीदी जी ने पहले ही पूरा शब्द दे दिए हैं। मैं यही हर एक से निवेदन करना चाहूँगा, आज हम सब एक दृढ़ संकल्प के साथ में यहाँ से अपने आप को समर्पित करते हुए भी, अर्पित करते हुए भी, और जाएंगे कि हाँ हमें आगरा जोन को आगे रखना है, नंबर एक रखना है। अगर वन है तो अग्र बन के ही जाना है, दीदी तो आगे बन के चली गई, लेकिन हम सबको भी आगे ही बनना है, एक नंबर वन बनना है, ए वन बनना है। और जब नगला लाल जीत है तो निसंदेह रूप से विक्रमाजीत भी बनना है, तो कर्मेंद्रिय जीत भी बनना है, और माया जीत और प्रकृति जीत भी बनना है। इसी संकल्प के साथ हम सब उनको, दीदी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब इस तरह से बन जाएं। ओम शांति, ओम शांति। यहाँ इस पावन भूमि पर, क्योंकि इस गांव नगला लाल जीत का भी नाम होना था और पहले से ये ड्रामा में निमित्त था, होना ही था, उसी कार्यक्रम के अनुसार ये कार्यक्रम हुआ। सभी बीके भाइयों भाई बहनों का मैं पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और आदरणीय बहन जी का जिनका बड़ी बहन और माँ की तरह हमें स्नेह प्राप्त हुआ, आदरणीय अर्चना बहन जी, आदरणीय माला बहन, आदरणीय हमारी माला बहन जी और मधु बहन जी, इनका छोटी बहन की तरह हमें सान्निध्य प्राप्त हुआ, और हमेशा हम लोगों का मार्गदर्शन, हम लोग कभी कई बार बीच में ऐसा हुआ, भटकाव होता था तो हमें समझाती थी बिल्कुल छोटी बहन की तरह, नहीं भैया ऐसे करना नहीं, ऐसे कहीं ऐसे करना है। और उस 25 साल पहले आदरणीय जो आज माउंट आबू का प्रतिनिधित्व यहाँ कर रही हैं आदरणीय शीलू बहन जी, उनकी क्लास हमें ओम शांति भवन में सुनने को मिली थी, आज पुनः उनका सान्निध्य प्राप्त हुआ, हम समझते हैं हम बहुत धन्य हुए। तो बहन जी का मेरे जीवन में या बहुत महत्व है, अभी आप देख रहे हैं सभी बहनें ले भी आए बाल, मेरे बाल थोड़े कम है,
तो बहुत लोगों को संकल्प भी चलता है कि देवियां बाल नहीं काटती। तो एक बार ऐसी बड़ी बहन जी के साथ मेरा बड़ी दादी के पास मिलना हुआ, बहन जी मुझे ले जाती थी, क्योंकि कमला नगर में जब हम आए तो उस समय मधु बहन जी हुआ करती थी, मधु बहन जी और बहन जी, और एक सुनीता वो समय रुद्रपुर गई थी, तो मैं आती थी। तब जब ज्ञान मिला तो बहन जी मुझे कहीं भी जाते थे सेवा में, वीआईपी सेवा या मधुबन या कहाँ भी, दिल्ली वगैरह ज्यादा तक मुझे अपने साथ ले जाते। तो एक बार बहन जी के साथ ऐसी मधुबन जाना हो, दादी ने अचानक बहन जी को रोका, आपको रुकना है थोड़े दिन। तो बहन जी मुझे दादी के साथ पास ले गई मिलाने, ऐसे किसी काम से गए। तो दादी ने ऐसे कहा, क्या नाम है? उस समय बहुत सारी राज बहन थी, नेपाल वाली राज दीदी, दिल्ली वाली राज दीदी, बहुत सारी। तो ऐसे पूछा, इसका नाम क्या है? तो कहा कि राज। कहते ये सभी राज राज राज, तो ये राज ने इसका नाम राजू रखो।